हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और आज मैं खड़ा हूँ टाटा के बस एंड ट्रक के स्टॉक यार्ड में और हमारे सामने खड़ा है टाटा का 407 SFC RJ ट्रक, जो कि आप सामने देख सकते हैं टाटा का 407 गोल्ड SFC RJ ट्रक जो कि BS6 का फेज 2 मॉडल है, 2024 मॉडल है, ब्रांड न्यू। आज मैं आपको इस वीडियो में टाटा 407 गोल्ड की इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दे ताकि उनको भी इसकी नॉलेज मिल सके। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आपको एक एक करके इसकी पूरी डिटेल देता हूं। इसके फ्रंट की लुक की बात करें तो ऐसे आपको फ्रंट से लुक मिलेगी, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पहले टाइम से चला आ रहा है, वैसे आपको फ्रंट से लुक दी गई है। अभी 2024 में भी आपको ऐसी लुक मिलती है। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी इसमें विंडशील्ड मिल जाती है, उसको आपको क्लीन करने के लिए दो दो आपको वाइपर मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको हैंडल दिए गए हैं, ऐसे की इसकी टॉप स्पीड है और यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिलता है क्रोम में, उसके ऊपर आपको टाटा की बोनेट पर आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिलती है। हेडलैम्प की बात करें तो हेलोजन बेस आपको हेडलैम्प दिए गए हैं, हेलोजन में इसमें आपको इंडिकेटर मिलेंगे। ये इसकी ग्रिल ब्लैक कलर में आपको बम्पर मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है, ब्लैक कलर में आपको पूरा बम्पर मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिससे कि काफ़ी अच्छे कच्चे रास्ते पर भी आप इसको चला सकते हैं। यहाँ पर आपको टो का हुक मिल जाता है इनकेस ये फंस जाए और निकालना हो तो। अभी मैं आपको साइड से इसकी लुक दिखा देता हूँ, ऐसे आपको साइड से लुक मिलेगी टाटा के 407 गोल्ड की। FPE मतलब फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी आपको माइलेज निकाल कर देता है, 6 से लगाकर 10 तक ही आपको माइलेज निकाल कर दे देता है, डिपेंड ऑन कंडीशन कैसे आप इसको चला रहे हैं। 60 लीटर का आपको फ्यूल का टैंक मिलता है, उसके आपके आगे आपको AW का टैंक मिलता है, यहाँ पर आपको AW का टैंक मिलता है 25-30 लीटर के अराउंड में। 4 चक्कों का ये ट्रक है टाटा का, टाटा मोटर्स फ्लैट एज के आपको इनसाइड में मतलब फीचर मिल जाता है इसमें, यहाँ पे बाहर तो आपको ब्रांडिंग दी गई है। ये इसका ड्राइवर साइड डोर, ऐसे आपको ड्राइवर साइड डोर मिलता है, मैनुअली आपको विंडो के कंट्रोल मिलेंगे और यहाँ से आप इसमें बैठेंगे, यहाँ पे आप उसकी ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो 49-95 kg इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है, यहाँ पर आपको स्पेस मिलती है, स्टेपनी वगैरह इसमें रख सकता है ड्राइवर। टायर की आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे आप ऐसे पैर रख कर इसमें आप ऐसे चढ़ेंगे, ऐसे आप इसमें चढ़ सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर बैठ गया हूँ टाटा 407 गोल्ड में, ऐसा आपको मीटर मिलता है जिसको मैं आपको ऑन करके दिखाना चाहूँ तो ऐसा ये ऑन होता है। इसमें आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज का मीटर, टेम्परेचर का मीटर, बीच में आपको काफ़ी बड़ी MID मिलती है, DEF का लेवल वगैरह भी इसमें आपको शो होगा। ब्लोअर मिलता है, AC तो नहीं मिलती, यहाँ से आप चाहे तो चला सकते हैं। उसके वेंट मिलते हैं ब्लोअर के, टाइप ए का आपको सॉकेट मिलता है, यहाँ पे आपको इमरजेंसी का बटन मिलता है। ये ओवरऑल इसका डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको 1000 लैम्प की स्विच और भी आपको काफ़ी बटने मिल जाती है। यहाँ पे इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है, क्रूज़ कंट्रोल मिलता है इसमें, यहाँ से आप इसकी लाइटें वगैरह चलाएँगे। AC के वेंट मिलते हैं, ड्राइवर के लिए आपको सन वाइजर मिलते हैं काफ़ी बड़े बड़े, को ड्राइवर के लिए भी आपको मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे पीछे आपको LED में लाइट मिलती है, ये हो गया विंडो का एरिया। ड्राइवर के साइड में 2 जनों के बैठने की व्यवस्था दी गई है, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का टैंक मिलता है। हैंड ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा, 5 स्पीड का मैनुअली ट्रांसमिशन है। ये है ओवरऑल कुछ स्पेस, लॉकेबल आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है, वही डैशबोर्ड है जो कि पहले भी आता था, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। अभी मैं आपको इसके इंजन को दिखा देता हूँ, कैसा आपको इंजन मिलता है इसमें, इसके बोनेट को ओपन करके उसके बाद में इसकी लोडिंग कैपेसिटी वगैरह की मैं बात करूँगा। इंजन की डिटेल देता हूँ, मेन चीज़ तो इंजन ही है, अभी ओपन नहीं हुआ, अभी ओपन करते हैं आपके लिए और इसके इंजन की मैं आपको इंजन की डिटेल देता हूँ। अभी भी ये ओपन नहीं हुआ, एक इसको ओपन करना भैया बोनेट को, मेरा हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं ढंग से ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बोनेट को आपको ओपन करके इसके इंजन को दिखाता हूँ, उसके बाद में इसकी लोडिंग कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा। बोनेट ओपन करना इसका, 49-95 का ग्रॉस व्हीकल वेट है इसका।
इसमें आपको 3000 cc का इंजन मिलता है टाटा का खुद का 4 सिलेंडर का, जो कि आपको 98 HP की पावर निकाल कर देता है। राउंड फिगर आप इसको 100 HP की पावर मान सकते हैं। इससे आप 6.5 से 10 तक की माइलेज निकाल सकते हैं। ये इसका इंजन, यहाँ पे इसका एयर फिल्टर वगैरह मिलता है। 2500 kg की लोडिंग कैपेसिटी के साथ में आता है और काफ़ी दमदार ये इंजन है 3000 cc का। बंद कर दो भैया, काफ़ी पावरफुल इंजन है और टाटा की बिल्ड क्वालिटी को आप जानते ही हैं, काफ़ी अच्छी आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे डीजल फिल्टर वगैरह आपको मिलेंगे। 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। अगर मैं टायर की साइज़ नहीं दिखाई है तो वो आपको दिखा देता हूँ। 4 चक्कों में आता है, MRF के टायर लगे हुए हैं, 7.50 R 16 इंच के इसमें आपको टायर मिलते हैं। अभी मैं आपको इसके रियर की लुक दिखाता हूँ। ये इसकी रियर से लुक, ऐसे आपको रियर से लुक मिलती है। रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। हैलोजन बेसिस में आपको टेल लैंप मिलती है, यहाँ पे आपको गार्ड मिलता है। और ये इसका डिफरेंशियल, ऐसा आपको इसमें डिफरेंशियल मिलता है। और अंदर से दिखाना चाहूँ तो ये इसका डेक, 2500 kg की लोडिंग कैपेसिटी के साथ में ये आता है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पे और भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा और बैटरी की बात करें तो भी आपको यहीं पर मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें।